जेमी जो मेरी बहन जैसी है वो मेरे दोस्त का किरदार कर रही है, जो मेरे साथ मिलकर हिंदुस्तान से सारे जो ड्रग्स से जुड़े हुए जो माफिया हैं उनको खत्म करने का काम करती है। बड़ा अच्छा एक्शन किया उसने, फिर अभी तो कुछ देर पहले चली गई हो, अच्छा एक्शन किया उसने। अगर नासिर जी की बात की जाए तो कितना मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में एज ए डायरेक्टर? उनकी स्टोरी आपको पसंद आती है, डायरेक्शन कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कहानी फिर मैंने लिखी है, कहानी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो काम नासिर कर रहा है बहुत अच्छा, उम्मीद से बेहतर काम किया उसने। उसकी वजह से काम आसान होता जा रहा है। उसका अनुभव जो खुद का एज एक्टर काम करने का है वो बहुत काम, प्लस मेरा बहुत पुराना दोस्त है तो वह काम करने में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। उम्मीद करता हूँ फिल्म बहुत ही अच्छी बनेगी, जब सबके सामने आएगी तो पब्लिक को अच्छा लगेगा। लोकेशन की बात करें तो आज यहाँ लोकेशन है, और आपने कोई सोचा है कि कहीं और भी लोकेशन आपने जिस तरीके से? दिल्ली जा रहे हैं हम लोग, अभी जो मतलब दो दिन बाद दिल्ली जाएँ, 25th-4th को जा रहे हैं, 4-5 दिन काम वहाँ है, फिर हिमाचल जाएंगे, फिर उसके बाद इलाहाबाद शूट करेंगे, कहीं वहाँ रहेंगे 7-8 दिन तक, जो जहाँ पे अपने आप को जहाँ शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, वहाँ शूट करने वाले, शुरू फिल्म का शुरुआत और अंत वहीं भी करेंगे हम लोग। ये फिल्म समर्पित ही चंद्रशेखर आज़ाद जी को है। रिलीजिंग की बात करें तो फिल्म रिलीजिंग कब हो रही है? अगर हम लोग इस फिल्म को 10-15 अक्टूबर के बीच में ख़त्म कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है शायद हम लोग नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। क्रिमिनल्स हैं और ड्रग माफिया हम ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने किडनैप कर लिया मेरे दोस्तों को, जिसमें गणेश जी का जो रोल कर रहे हैं अल्पेश प्लस अमान जेमी, किडनैप किया है उनको, छुड़ाने आया हूँ प्लस उनको ख़त्म करने आया हूँ जो उनको किडनैप किए हैं। आप मैं क्या बोल रही हूँ ना कि बॉम्बे टॉकीज दोबारा आ रही है, इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे हैं होने में होते हुए बॉम्बे टॉकीज आ रही है, जिसने 102 फिल्में बनाई, 280,000 लोग को इंट्रोड्यूस किया, 400,000 सिनेमा हॉल बनाए और 700,000 फिल्मों को फाइनेंस किया। उस कंपनी का वापस आना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जवाबदारी थी मेरे ऊपर, जो उसको लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द दर्शकों को और स्पेशली करोड़ों लोग चाहने वाले जो हैं बॉम्बे टॉकीज़ को उनको देखने का मौका मिलेगा इस फिल्म को। इट इज़ बिकॉज जो फिल्म थी चाहे पूरी जंगली कहे कि जो स्टोरी थी, हमने जब उसे थोड़ा क्रिएटिव, जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट सेकेंड ड्राफ्ट आप वर्क करते हो, तो हमने जब उसे थोड़ा चेंज किया तो दैट वॉज नॉट गोइंग विथ द स्टोरी फ्लो। एंड अभय कुमार जो मेरी फिल्म में है वो चाह रहे थे कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ इसमें कहीं से ऐड करें, बिकॉज़ वो एक लीडर हैं, वो कंट्री के एक ऐसे सेलिब्रेटेड इंसान हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फिल्में या ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो वो चाह रहे थे कि क्यों ना हम इस फिल्म के ज़रिए ऑडियंस को थोड़ा एक उनका फील दें। तो जब वो चेंज हुआ तो टाइटल जंगली एंड दैट वो चीज़ें बैठ नहीं रही थी, तो हमने कहा फिर क्यों ना हम क्रिएटिवली मिलके एक क्रिएटिव डिसीजन लेकर चेंज द टाइटल ऑल्सो, फिर बिकेम आज़ाद। अरे राजू दिमाग मत लगा, जितना बोल रहा उतना कर।